नागरिक सुरक्षा कोर द्वारा अपने वॉलंटियर्स को बाढ़ से बचाव और राहत के संबंधित 5 दिवसीय कार्यशाला का समापन शुक्रवार को नागरिक सुरक्षा के मुख्यालय पर संपन्न हुआ। इस मौके पर नागरिक सुरक्षा कोर के वॉलंटियर्स को चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी एवं उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर नागरिक सुरक्षा कोर के पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह एवं नागरिक सुरक्षा कोर के चीफ वार्डन डॉक्टर संजीव गुलाटी ने कहा, लेकिन आज इनका डर खत्म हो गया और उस डर के आगे जीत है, इस चीज को इन्होंने साबित कर दिया। ही ज्ञान बढ़ता है बहुत ज्यादा, ज्यादातर बच्चे तो सिर्फ पढ़ते हैं और डिग्री लिए पास हुए हो गया। बहुत क्लास में अगर 60-70 बच्चे हैं जो कि अमूमन होते ही हैं, 60-70 बच्चे तो होते ही हैं, उसमें 10-12 बच्चे ही हैं जिनका बहुमुखी विकास होता है, बाकी सारे बच्चे तो बस क्लास अटेंड किए, एग्जाम दिए, पढ़ लिए, पास हो गए उनका। और आप अपने आपके अंदर इतनी गर्व आती है कि आप किसी के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब यहाँ जुड़कर, नागरिक सुरक्षा से जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हो। आज 30 जुलाई तक बाढ़ से बचाव का प्रशिक्षण कार्यक्रम श्री वेद प्रकाश यादव जी व श्री बनवारी लाल जी के नेतृत्व में चल रहा था। आप सभी ने बाढ़ से बचाव के तरीकों को जाना और कल राप्ति तट पर स्थित श्री गुरु गोरक्षनाथ घाट पर आप सभी लोगों ने मॉक ड्रिल के माध्यम से यह भी जाना कि बाढ़ के समय अगर बाढ़ में कोई गिर गया है तो उसे हम कैसे बचा सकते हैं, घर के किनारे तक ला सकते हैं। यह सभी कार्य आपने राष्ट्र सेवा भी कर रहे हो और अभी बताया आपके एक ग्रीनर वार्डन ने, हमारे ओझा जी ने बताया कि ये तो ऐसा चीज है कि अगर आपने कर्तव्यों के लिए संघर्ष करना है तो ये मंच है कि आइए मिल करके समाज और देश को मजबूत करें और यहाँ पर आकर के आनंदित महसूस करें। कभी भी तुम्हें ही नहीं देती हमें बेवायगी दिल की, उबरने ही नहीं देती हमें बेवायगी दिल की, अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। हमारे खुद भी है कष्ट होना है अपनी आंखों में। मैं उपनियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह। नागरिक सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन के तहत दिनांक 26 तारीख से लेकर के 30 तारीख के मध्य में हमारे जो वार्डन सेवा के मेंबर हैं उनको फ्लड सेफ्टी पर एक बहुत ही कंप्लीट ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें आप जानते हैं कि गोरखपुर में बाढ़ की हमेशा आशंका रहती है। तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया डॉक्टर संजीव गुलाटी जी, जो कि आपके आसपास बैठे हुए हैं, आपका निर्देश था कि भाई हम लोग इस तरह के आपदा में कैसे काम करें। तो हम लोगों ने ये आज 5वीं ट्रेनिंग है जो फ्लड सेफ्टी पर हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन इस ट्रेनिंग के साथ साथ एक अच्छी बात ये हुई कि SDRF के साथ मिल करके हम लोगों ने कल राप्ती तट पर किस प्रकार से बचाव करेंगे उसको लेकर के एक बहुत ही बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे नगर से 150 लोग इकट्ठे थे। हमारे संगठन के, जो कि आप जानते हैं 400 से ऊपर हमारे वार्डन हैं, उसमें से 100-150 वहाँ पर उपस्थित होकर के उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा। हमारे वार्डन भी उस बीच में जा करके उस मॉक ड्रिल में हिस्सा बने और किस तरीके से डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जाए उसका एक मॉक ड्रिल था। उसी का आज समापन कार्यक्रम है। आज हमारे संगठन के मुखिया डॉक्टर संजीव गुलाटी जी के कर कमलों से प्रमाण पत्र का वितरण होना है और हमारे ये 30 वार्डन जो है एक बहुत ही कॉम्पिटेंट रहेंगे इस तरह की आपदा में लड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ये शासन की मंशा रहती है कि हम लोग अपने शहर में और सभी नागरिक सुरक्षा के जो शहर हैं उनमें ये समय समय पर आपदा से संबंधित कार्यक्रम चलाते रहें, लोगों को प्रशिक्षण देते रहें। इसमें हमारे उपनियंत्रक महोदय सतप्रकाश सिंह जी ने और सहायक उपनियंत्रक ये वेद प्रकाश जी ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए बहुत सारे वार्डन्स की ट्रेनिंग करी
और उनको थ्योरेटिकल ही नहीं बल्कि फिर बाद में प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन कल नदी के किनारे राप्ती नदी के तट पर SDRF के साथ मिल करके उनकी पूरी शिक्षा हुई। तो इस प्रकार से हमारे वार्डन्स अब पूरी तरह से बाढ़ से बचाव के लिए तैयार हैं और पूरी तरह से ट्रेनिंग से प्राप्त कर चुके हैं।